हूँ मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग आई, हम सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग जो है तकरीबन मेरे नाश्ते के टाइम है, तकरीबन इसलिए बोला है कि आज सुबह सुबह मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई कि मैं बच्चों की डायरी जो है ना वो चेक करती हूँ, या मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है कि बच्चों के स्कूल टाइमिंग का ये शेड्यूल है, ये है। और कुछ घर में सिस्टम ऐसा था कि बिल्कुल भी मैं मोबाइल वगैरह नहीं चेक कर पाई, उनके स्कूल के जो ग्रुप था वो नहीं चेक कर पाई, ना डायरी चेक कर पाई थी। तो बच्चों की जो टाइमिंग थी ना वो चेंज हो चुकी थी, मैंने बच्चों को स्कूल टाइम पहले वाले स्कूल टाइम पे इनको भेज दिया। तो उन्होंने बोला कि जी स्कूल टाइमिंग चेंज हो गई, इस वजह से आज थोड़ी रूटीन जो थी नाश्ता मैंने लेट किया, इसलिए तकरीबन बोला। और एक बात है कि बच्चे आज थोड़ा ऐसा हुआ था कि आराम सुकून से काम हो गए, वरना बच्चे जल्दी आ जाए ना तो फिर वो भागम भाग बड़ी होती है, लेकिन आज सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हो गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने लहसुन जो था ना वो पील किया था, और मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है, हालांकि मैंने आप लोगों के साथ खुद टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी शेयर की हैं, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे ना छोटे छोटे थे जिनको मतलब पील करना जो था ना मुझे लग रहा था दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो मैंने सोचा कि चलो इनका मैं पेस्ट बना के ना तो मैं फ्रीज कर लेती हूँ, काम आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है मेरा ख्याल है कि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको पूरा एक साल जो ना पूरा एक साल लहसुन हो या अदरक हो वो ख़राब नहीं होगा, 100% गारंटी। आपने जो है ना लहसुन की शर्त ये होनी चाहिए कि लहसुन गीला नहीं होना चाहिए, और जो ब्लेंडर है जग है वो भी गीला नहीं होना चाहिए, जो बर्तन हो वो भी गीला नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मेरे पास आइस क्यूब ट्रे है, आपके पास कोई भी है और शेप में है वो भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के थोड़ा सा चुटकी सा नमक डाल के इनको ब्लेंड कर लिया। आपने ऑयल जो ना वो तकरीबन 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं और 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हैं, मतलब क्वांटिटी के हिसाब पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, उस हिसाब से आप ऑयल जो है ना वो उसका इस्तेमाल करें, और पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपका पूरा एक साल जो है ना ये आपका अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको फ्रीज कर सकते हो, आप उसका पेस्ट बना के किसी जार में डाल सकते हो। लेकिन मैं इनको जमाऊंगी, मतलब इसकी छोटे छोटे, या मैंने ये मोल्ड में डाला है तो इसके मैं छोटे छोटे जो ना वो पीसेस बना लूंगी जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं निकाल के तो उसको इस्तेमाल कर लूंगी, वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अच्छा, अभी मुझे कुछ याद आया कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, अर्शिया उनका नाम है, फ्रॉम इंडिया। तो वो मुझे डेली बेस पे कमेंट करती हैं कि आप ही प्लीज़ गर्दन की जो स्याही है ना वो ख़त्म करने के लिए कोई टिप बताएं। तो अर्शिया मेरे सब्सक्राइबर को पता है और मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उनको पता है कि जब तक मैं वो चीज़ को खुद पे अप्लाई ना कर लूँ, वो उस चीज़ को मैं खुद वो एक्सपेरिमेंट ना कोई कर लूँ, मैं तब तक चीज़ शेयर नहीं करती, चाहे रेसिपी हो चाहे कुछ भी हो। तो मुझे 2-3 दिन का टाइम दो ताकि मैं वो चीज़ का एक्सपीरियंस करूँ, कोई एक्सपेरिमेंट करूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप डिसाइड ना हो और आप बोले कि आप इन्हें बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ शेयर की है। ठीक है जी, मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आज हम खाने पर बना रहे हैं जी आलू चिकन। आपने आलू चिकन तो खाया ही होगा, लेकिन इस स्टाइल से नहीं खाया होगा जो मुझे लग रहा है, अगर खाया भी होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 kg जो है ना चिकन लिया है, और हो सकता है आपके 1 kg से थोड़ा सा कम हो, लेकिन मुझे 1/2 kg लग रहा है। साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाली है, नमक डाला है, पिसी हुई काली मिर्च डाली है, और साथ मैंने 1/2 प्याली दही जो है ना उसको अच्छे से फेंट लिया था वो डाल के, इसको तकरीबन मैं 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप मैरिनेट नहीं करना चाहते, अगर आप मतलब जल्दी में हैं तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर मैरिनेट हो जाए तो आपको पता है वो फिर टेस्ट जो है ना मज़ेदार हो जाता है, डबल हो जाता है। अच्छा, आलू जो है ना, आलू के यहाँ पे पहले हम फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने हैं आलू। और अगर आलू जो है ना वो थोड़े से मोटे मोटे कटिंग की जाए ना आलू गोश्त में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपको मोटी कटिंग नहीं पसंद तो आप उसको मीडियम में भी कट कर सकते हो, लेकिन मोटे आलू होना आलू गोश्त में तो बहुत ही वो बड़ी वो एक जानदार सी रेसिपी लगती है, जानदार सा एक आलू गोश्त लगता है। अच्छा, यहाँ पर हमने कोई कलर नहीं देना, हमने सिर्फ इसको हल्का सा ना फ्राई एक टच देना है, ठीक है। हमने कलर शलर नहीं देना, ये ना हो कि यहाँ पे आपके चिप्स वगैरह बनाने बैठ जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके बाद वही ऑयल में हमने जितने खड़े मसाले थे वो डाल लेने हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैंने व्लॉगिंग आप लोग के साथ स्टार्ट की थी ना, मुझे बड़े कमेंट आते होते थे आप ही आप ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, आप ही आप ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो ये बात सच्ची है, पता नहीं क्यों मुझे ऑयल जो है ना, हालांकि ऑयल
बिल्कुल भी हेल्दी चीज़ नहीं है ज़्यादा, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते जिसमें ज़्यादा ऑयल जो ना वो अच्छा लगता है। तो आज अभी मैं ना वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे लग रहा था कि वाकई आज वो मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं कि ऑयल इसमें आज ज़्यादा ही पड़ गया है। शायद वो मिट्टी की हांडी थी ना तो मुझे नहीं पता चला, खैर मैंने उसको बाद में निकाल लिया था। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया जनाब, मैंने प्याज जो है वो उसको मैंने कट करके चॉप करके वो मैंने डाल लिया, और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसको पकाऊंगी लाइक हम इसका कोरमा सा पहले बना लेंगे, ठीक है। ये इतना मज़े का बनता है, इतना यमी बनता है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने देगी कोई मतलब देग में आपने आलू गोश्त बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और उसके मज़े की बात कि अगर मिट्टी की हांडी में बनाया जाए तो फिर तो आपको पता है फ्लेवर और ज़बरदस्त किस्म का आएगा। ये देखें, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ऑयल बहुत ज़्यादा पड़ गया था, लेकिन मैंने इसे बाद में निकाल लिया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना टमाटर, इसकी आपने प्यूरी डालनी है, टमाटर का पेस्ट डालना है, आपने ऐसे टमाटर नहीं डालने क्योंकि इसमें फिर ये होगा कि अगर वो छिलकों के साथ डालेंगे छिलके आएंगे, तो बेसिकली हमें छिलके छिलके वाले टमाटर नहीं डालने। और प्याज भी जो हमने डालना है ना वो भी हमने बारीक बारीक चॉप किए, फिर आपके सालन में वो प्याज अक्सर लोग कहते हैं कि आलू गोश्त में जो प्याज होता है ना वो तैर रहा होता है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके सालन में बिल्कुल भी प्याज नहीं आएगा और टमाटर का कोई वो छिलका वगैरह नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो ये देखे मैंने ऑयल जो है वो निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने फ्राई किए थे आलू वो मैंने डाल लिए, और सब्ज मिर्ची मैं एक डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सब्ज मिर्ची बहुत महंगी है। आजकल बहुत महंगी चीज़ें कुछ मिल रही हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें पहले से उनके रेट्स नीचे भी आए हैं। तो जैसे धनिया हो गया, पिछले दिनों धनिया को भी आग लगी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धनिया जो है ना वो सब्जी मंगवाओ तो धनिया साथ में मिल रहा है। पहले नहीं, ऐसा सीन नहीं चल रहा था। पहले तो मुझे याद है 30 रुपये से स्टार्ट हुआ था, 50 रुपये में चला गया था। अच्छा, एनीवेज यहाँ पे मैंने जो ना पतीली चेंज कर ली थी क्योंकि मुझे प्रॉपर वो जो लुक थी ना वो लुक नहीं मिल रही थी आलू गोश्त की। हालांकि इतना मज़े का, इतना टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, लेकिन जो लुक थी ना वो हांडी में नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी ना मैं बर्तन चेंज करती हूँ तो शायद इसकी वो लुक नज़र आए, और आप यकीन करो बहुत टेस्टी बना था। अच्छा, जब ये आपका रेडी हो जाएगा ना तो फिर आपने लास्ट पे जाकर इस पर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला जो ना वो आपने ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बनाने लगे हैं रेड वेलवेट कप केक्स। इसके लिए मैंने सबसे पहले मैं जो बटर मिल्क है वो रेडी करती हूँ। 1 कप मैंने दूध लिया है और इसमें 1 चम्मच जो है विनेगर सिरका जो है वो मैं डालूंगी, और तकरीबन ये 5 मिनट बाद जो है ना गाढ़ा सा हो जाएगा और हमारा जो बटर मिल्क है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं जब भी व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो मैं रेड वेलवेट कपकेक्स जो है ना वो शेयर करूंगी। अच्छा, परफेक्ट आप लोग इंग्रेडिएंट बताती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत मज़े के हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप जो है मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, और 1 चुटकी जो है वो मैं नमक यहाँ पे डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये हमारे जो है ड्राई इंग्रेडिएंट जो है ये हमारे रेडी हो गए, इनको हम एक साइड पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी, मैंने लिया है 1/2 मैंने ऑयल लिया है कप, और 1/4 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। आप चाहें तो आप हैंड बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं, और आपके पास मतलब ज़रूरी नहीं है कि मशीन ना ही हो तो फेर ये आप हैंड बीटर के साथ भी उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है कि मैं इसलिए मशीनें यूज़ करनी है, थोड़े से मुझे ये है कि वो नरम से सॉफ्ट से फ्लफी से बन जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं 1 एग जो है वो इसमें ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बड़ा मज़ा आया आज जब मैंने ये केक बनाने का मेरा दिल था, कपकेक्स बनाने का मेरा दिल था, मैं अकेली आज हंस हंस के ना किचन में पागल हो गई, और आप लोगों को इतना मिस किया, पता क्या हुआ, मैं बेसिकली मेरा इतना काफ़ी दिन से था, और मेरे बच्चों को भी ये कपकेक्स इतने पसंद है ना, मुझे ये था मैं ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये हुआ। अच्छा, जब ये मिक्स अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, फिर मैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमने मिक्स किए थे ना वो हम इसमें ऐड आहिस्ता आहिस्ता वो करते जाएंगे, ठीक है जी। और साथ में हमने जो बटर मिल्क बनाया था ना साथ में, मैं वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, ठीक है। अच्छा, पता क्या हुआ आज इस पर मैं रेड कलर जाना था क्योंकि रेड वेलवेट कपकेक्स बनाने जा रहे हैं, और जब मैंने रेड कलर को देखा तो वो रेड नहीं वो भी पर्पल कलर था।
और मेरा दिल इतना खराब हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ सच्ची। उसके ऊपर लिखा भी हुआ था कि रेड कलर है, और मेरा इतना दिल खराब हुआ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस रेसिपी को छोड़ दूँ। ये इतने मज़े के और इतने खूबसूरत लगते हैं ना कि बस सारे का सारा मेरा मूड ख़राब और सारा प्लान ख़राब। लेकिन एनीवेज अब जो भी था मैंने उसको बस डाल लिया। अब रेसिपी को बिल्कुल आप ये ना समझे कि रेसिपी हमारी बिल्कुल ख़राब, ऐसा कोई सीन है, बस कलर का था। आप क्योंकि बेसिकली हम रेड वेलवेट कपकेक्स बना रहे हैं तो उसमें रेड कलर ही जाएगा। अब ये देखिए इसमें कलर कौन सा है। बहुत दिल मेरा ख़राब हुआ कि देखिए शॉप्स वालों से मतलब मंगवाया है कलर, उसके ऊपर रेड भी लिखा है। अब ये टाइम ऐसा था कि ना मैं खुद जा सकती थी और ना किसी से मंगवा सकती थी। मैंने कहा चलो गुजारा करते हैं। तो खैर हमने तो खाने या ना कभी कभी हुंदा है, होता ना, अगर तो होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आज तो भाई लाइक ज़रूर बनता है। अच्छा उसके बाद जो ना मैंने जो ट्रे थी, जो मोल्ड था, उसको मैंने ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लिया, और बाद में मैंने जितना भी बैटर था वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर लिया है ताकि कोई भी अंदर जो है ना बबल ना रहे। और ये देखे मैंने इसको ओवन में तकरीबन मैंने जस्ट ओनली 15 मिनट में हमारा ये जो केक था ये बेक हो चुका था। 180 पे मैंने इसे रख के तो मैंने इसे 15 मिनट के लिए बेक किया, और फिर मेरा प्लान कप केक का नहीं रहा क्योंकि मेरा सारा मूड ख़राब हो गया, सारा दिल ख़राब हो गया। मैंने कहा नहीं कप केक नहीं मैं बनाऊंगी, छोड़ो अब फिर मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि एक मेरा कॉन्सेप्ट था, एक मेरा मतलब था वो नहीं पूरा हुआ तो मेरा दिल ख़राब हो गया। खैर फिर मैंने बस आज कह लें कि पुट्ठा सीधा फिर मैंने एक्सपेरिमेंट के ऊपर से फिर मैंने इसकी लेयर कट की और इसकी मैंने पेस्ट्रीज जो थी ना वो मैंने बना दी, और बहुत मज़े की थी, इतने मज़े की थी कि खैर मुझे यही होता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए जो भी चीज़ बनाऊँ मेरी जो फैमिली ना वो खुश हो जाए, मेरे बच्चे खुश हो जाएँ। और जब मेरे बच्चे जो है ना ये बोलता ना मामा हमारी मामा सुपर शेफ़ हैं या हमारी मामा ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, तो आप यकीन करो कोई भी माँ, मैं नहीं कोई भी माँ होगी ना तो वो बहुत अच्छा फील करेगी कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ बनी है। वो अच्छी ना भी हो ना तो मतलब एनर्जी सी आ जाती है, हाँ भाई हमारे बच्चों ने बोला तो बहुत अच्छी चीज़ बनी है। तो नहीं भाई आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के ना आप इसको कपकेक में बना सकते हो, और आप इसमें बस कलर का कंफर्म कर लेना कि कलर रेड होना चाहिए फिर अच्छे लगेंगे। ऐसे तो लग रहा था जैसे मैं कोई ब्राउनीज यहाँ पे बना रही हूँ, कोई चॉकलेट केक मैंने बनाया। अच्छा उसके बाद जो था ना मैंने क्रीम जो थी व्हिप्ड क्रीम जो थी इसको फिर मैंने अच्छे से बीट किया, और ये मैं उसकी ना ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं की करा फिर मैंने कहा अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं। तो बहुत मज़े की पेस्ट्रीज बननी थी, बन गई थी, और मेरे बच्चों ने दो दो माशाल्लाह चारों को ना माशाल्लाह से दो दो जो थी ना वो पूरी आ गई थी। तो खैर बच्चे खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई, और देखे कभी कभी इंसान सोचता है कुछ है, होता कुछ है, इसीलिए कि इंसान के बड़े बड़े प्लान्स होते हैं। मुझे था मेरे ये कपकेक्स इतने मज़े के बनेंगे, और जब आप लोग देखोगे आप लोग इसको जरूर ट्राई करोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं ओवन में ही हो, ये इतनी जल्दी बनते हैं कि पतीले में भी बन जाते हैं, और पतीले में भी ये 15 से 20 मिनट लेते हैं, और बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ना ये हाथ से टूट रहे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो बस आज की वीडियो इतनी थी, आज सारा दिन में मैंने यही किया, यही रूटीन थी मेरी, और दिन भी छोटे हो चुके हैं, और बहुत सारे तो काम इतने सारे होते हैं, दिन छोटे पता ही नहीं चलता सारा दिन का, अब यकीन करें। तो एंड करते हैं अपनी वीडियो का यहीं पे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, कल वाली वीडियो में, बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल पर जो न्यू थे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, और आई नो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलते हैं जी कल, अल्लाह हाफिज़।